हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान, आप सबको मेरी नमस्ते। आज हम बनाएंगे काले चने के कबाब। ये मैंने काले चने भिगो लिए थे और उनको उबाल लिया है। अब मैं उनको मिक्सी में डालकर पीसूंगी। मिक्सी में डाल लिए हैं सारे छोले। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, जरा सा भी, और इनको ऐसे ही पीसेंगे। अभी हमने पीस लिया है, अब हम इसको निकालेंगे। इसमें इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे। कटी हुई प्याज डालेंगे बारीक। थोड़ा सा पनीर डालूंगी मैश करके। थोड़ा सा बेसन डालूंगी। अब हम मसाले डालेंगे। 2 चम्मच सफेद नमक, 2 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच दही मिक्स करूंगी इसमें। अब मैं इसको हाथ से मैश करेंगे। मैं अच्छी तरह सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और बनाएंगे। थोड़ा ये टिक्की की तरह नहीं बनाना है, थोड़ा सा उठा हुआ बनाना है। ये देखिए इस टाइप से बनाना है। ऐसे करके हम सारे बना लेंगे। ये देखिए अब मैं सारे ऐसे करके बना लेती हूँ। देखिए हमने सारे कबाब बना लिए हैं। अब हम ये फ्राई करेंगे।
थोड़ा सा इसमें घी डालूंगी देसी। और अब हम इसको तलेंगे। अब हम इनको पलटेंगे। देखिए बन गए हैं, इनको अब हम निकालेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया सीखे हैं। अब हम और डालेंगे इसमें जो बचे हुए हैं, थोड़ा सा घी डालेंगे। इनको भी सेक लेते हैं। देखिए हमारे सारे कबाब बन गए हैं, अब हम इनको निकालेंगे। गैस बंद करेंगे। अब हम इनको गार्निश करेंगे। ये हमारे बहुत ही टेस्टी लाजवाब कबाब तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।